मिर्जापुर नाम के एक छोटे से गांव के बहुत सारे नौजवान शहरी लड़कों की तरह रहने के चक्कर में एकदम बढ़िया सा हेयर स्टाइल बनाकर लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनकर स्पोर्ट्स बाइक में मजे से घूमते थे। उसी गांव में धर्म सिंह नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसके बेटे का नाम था करम सिंह। दोनों मिलकर एक ठेले में चिकन करी, पराठा, रोटी वगैरह बेचते थे। करण सिंह चिकन करी, पराठा, रोटी वगैरह बनाता था तो धर्म सिंह उन्हें प्लेटों में सजाकर आने वाले ग्राहकों को देता था। इस तरह दोनों दिन भर खूब मेहनत करते थे। वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे, लेकिन जो कुछ कमाते थे उसमें वो दोनों खुश थे। एक दिन एक नौजवान बड़े ठाट से हेडफोन्स लगाकर, ठाट बाट वाले कपड़े पहनकर एक फूड ट्रक को चलाते हुए गाँव में आया। वो सीधा आकर धर्म सिंह के ठेले के सामने रुका। उस ट्रक पर बोर्ड लगा था सिटी फास्ट फूड। उसने ट्रक के पास ही एक छोटा सा डीजे का सेटअप लगाया। उसने माइक ऑन किया और घोषणा करने लगा, कम ऑन यंग बॉयज एंड गर्ल्स, माय नेम इज विकी कौशल। मैं शहर से आया हूँ, शहर के मजेदार खाने का आप लोगों को स्वाद चखाने आया हूँ। आइए आइए, यहाँ आपको मोमोज, पिज्जा, हॉट डॉग, बर्गर, सिजलर, पराठा, ऐसे ये क्या आपको शहर में मिलने वाले हर एक व्यंजन यहाँ पे कम दामों में मिलेगा। कमान कमान, यहाँ डीजे का म्यूजिक का आनंद लेते हुए स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद लीजिए। आज पहला दिन यहाँ खाने वालों को सब कुछ एकदम मुफ्त में मिलेगा। यूं आवाज दे रहा था। यहाँ बाप बेटे के समझ में कुछ नहीं आया और वो हैरान होकर देख रहे थे। सब लोग विक्की के फूड ट्रक के पास जमा हो गए। सब लोग उसके व्यंजनों को खाने लगे। कुछ युवक नाच रहे थे। विक्की और जोश में आकर, कमॉन गाइस कमॉन, और कब तक यूं घिसी पिटी चीजें खाते रहोगे? वो देखो उस ठेले में जो चिकन करी, पराठा और रोटी बनी है, उसे देखकर ही उल्टी आती है। वो सब पुराना स्टाइल है। इतना बेकार खाना नौजवान खाएं, ये कोई फैशन नहीं है। अब यहाँ का खाना खाओ, यही फैशन है। यूं माइक पकड़कर विक्की चिल्ला रहा था। उनके ठेले और खाने की यूं निंदा करने पर बाप बेटे दोनों को विक्की पर बहुत गुस्सा आया। दोनों जाकर उसके साथ लड़ने लगे। धर्म सिंह, तुम भाई कहाँ से आए हो और हमारे ठेले और खाने की निंदा करते हो? वैसे तुम हो कौन? करम सिंह, तुम्हें यहाँ फूड ट्रक रखने की परमिशन किसने दी? अगर तुम्हें यहाँ धंधा करना है करो, हमारी निंदा क्यों करते हो? तब विक्की दोनों को धक्का देते हुए, ए यू कंट्री ब्रूट्स, मैंने तुम जैसे बड़े बड़ों के धंधे बंद किए हैं। जहाँ विक्की के कदम पड़े वहाँ सुनामी हो जाता है बच्चों। गो अवे मैन, गो अवे यू कंट्री गवार। उस दिन से विक्की के फूड ट्रक के पास लोगों की भीड़ लगने लगी। धर्म सिंह के ठेले के पास एक ग्राहक भी नहीं आया। ये देखकर दोनों बहुत दुखी हुए। धर्म सिंह, बेटा लगता है अब हम ठेले में धंधा नहीं कर सकते, अभी हमें घर में ही बैठा रहना होगा। चलो हम कोई मजदूरी का काम ढूंढ लेते हैं। तब करम सिंह, पिताजी हर समस्या का हल होता है, वो हल हमारे हाथों में ही होता है। चलिए विक्की का धंधा उसी के स्टाइल में बंद करते हैं। मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए पिताजी। यूं कहकर उसने अपने पिताजी को कहा कि उन्हें क्या करना होगा। उसके बाद उनके ठेले के आगे एक बाइक लगाया और पूरे ठेले को लाइटों से सजाकर, साउंड सिस्टम लगाकर एकदम चकाचक बना दिया और ठेले को बोर्ड लगाया, इंटरनेशनल स्ट्रीट फूड। दोनों एकदम लेटेस्ट कपड़े पहनकर तैयार हुए। दोनों उस गाड़ी में आ रहे थे तो सब गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। उन दोनों को और उनके ठेले को देखकर विक्की के फूड ट्रक के पास खड़े विक्की और बाकी लोग हैरान रह गए। करण ने अपने ठेले के लाइट्स ऑन किए और साउंड को भी ऑन किया। करण सिंह अपने हाथ में माइक पकड़कर, आओ भाई आओ, कम ऑन कम ऑन, इंटरनेशनल फूड का आनंद लो। विक्की का मोमोज, पिज्जा, बर्गर सब पुराने हो चुके हैं। क्या आपने लेटेस्ट क्रिस्पी थ्रेड चिकन खाया है? आओ आकर उसका स्वाद लो। बस
सब लोग उसके ठेले के पास आ गए। करण सिंह रोटी को एकदम पतले धागे की तरह काट कर उनके बीच में चिकन रख कर तेल में तलने लगा और धर्म सिंह उसे प्लेट में डालकर लोगों को देने लगा। उसे खाकर लोगों को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। लोग उसे खाकर नाचने लगे। ये देखकर विक्की परेशान हो गया। करण सिंह, दोस्तों मेरे पास सिर्फ यही नहीं और बहुत सारे व्यंजन हैं। अर्जेंटीना एवोकाडो मसाला, इंडोनेशिया इग्लू इडली, देहरादून दाल डोसा, जापानीज जैकफ्रूट जलेबी, ऐसे और कई व्यंजन हैं। आओ भैया, आओ आकर स्वाद का मजा लो। इस तरह लोग फिर से करण के पास आकर खाने लगे। इस तरह विक्की को वहां से अपना फूड कोर्ट हटाना पड़ा। ये देखकर बाप बेटे दोनों हंसने लगे।